नमस्ते, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हैप्पी गार्डनिंग विद छाया। ये मनी प्लांट है, इसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर वैरायटीज आती है। मेरे पास भी इसकी कुछ किस्में हैं। आज के वीडियो में मैं आपको मेरा पोथोस यानी कि मनी प्लांट का कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है गोल्डन मनी प्लांट। ये बहुत ही कॉमन वैरायटी है, मुझे लगता है हर घर में ये प्लांट होगा। इसे हम बेल की तरह चढ़ा सकते हैं। इसकी हैंगिंग बास्केट भी बहुत खूबसूरत बनती है। इसके पत्ते आप देख रहे हैं ना, कितने सुंदर दिखते हैं। ये पौधा जब आप जमीन पे लगाते हैं तो इसके पत्ते और किसी पे ये वॉल पे वगैरह चिपक जाता है तो पत्ते बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और पॉट में थोड़े से छोटे रहते हैं। ये सेकंड नंबर पे ये है एंजॉय पोथोस। इसके पत्तों पे ये जो व्हाइट और क्रीम कलर का वेरिएशन है उसके कारण इसकी ब्यूटी कुछ अलग ही होती है। ये मेरी हैंगिंग बास्केट है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत हो गई है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। ये है नियोन पोथोस। इसका कलर देखो कितना अलग है, लेमन कलर के इसके पत्ते बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। वो एंजॉय पोथोस और नियोन पोथोस दोनों भी आपको किसी भी नर्सरी में 100 रुपए तक इसका पौधा मिल जाएगा। ये है मार्बल पोथोस। इसमें ग्रीन कलर कम और व्हाइट और क्रीम कलर ज्यादा होता है, कई बार ये मार्बल जैसा दिखता है। ये भी आपको नर्सरी में 100 रुपए तक मिल जाता है। इसकी ग्रोथ अभी बहुत बढ़िया चल रही है, काफी तेजी से बढ़ रहा है ये प्लांट। इसे लगाए 1.5 महीना हुआ है सिर्फ, इसकी मैंने पौध लगाई थी, बहुत ही खूबसूरत पौधा है। अब इसके बाद ये है सिल्वर पोथोस यानी कि या सैटिन पोथोस भी इसे कहते हैं। इसका मैंने कटिंग लगाया है, बहुत ही खूबसूरत पौधा है। पत्ते आप देख सकते हैं ना कितना अलग शेप है और वेरिएशन भी देखो कितना अलग है। मुझे लगता है इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो रही है, लेकिन ये प्लांट है बहुत खूबसूरत। जब ये पॉट पूरा भर जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, एकदम अलग वैरायटी है ये। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं लश ग्रीन कलर के पत्ते, एकदम प्लेन, इसे जेड मनी प्लांट कहते हैं। इनमें कोई वेरिएशन नहीं होता, एकदम प्लेन हरे कलर की इसकी पत्तियां होती है। इसकी भी मुझे कटिंग मिली है तो अभी मैंने इसे पानी में रखा है, बहुत ही जल्दी इसमें रूट्स निकल आते हैं तो बाद में मैं इसे मिट्टी में लगाऊंगी और किसी मॉस स्टिक पे चढ़ाऊंगी। ये सारे पौधे आप पानी में भी रख सकते हैं डेकोरेशन के लिए। अभी ये है मंजुला पोथोस, इसकी भी मुझे कटिंग मिली थी तो मैंने ये लगाई है। इसकी पत्तियां एंजॉय और मार्बल पोथोस के मिलती जुलती है, लेकिन पत्तियां थोड़ी सी ऐसी मुड़ी मुड़ी दिखती है। ये भी थोड़ा स्लो ग्रोइंग पौधा लगता है मुझे। बहुत खूबसूरत लगता है, ऐसे सिकुड़ती हुई पत्तियां होती है, कितने खूबसूरत है ना ये सारे पौधे। और इन्हें हम बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, एक इजी टू प्रोपोगेट प्लांट है। पानी में तो बहुत आसानी से ये प्रोपोगेट हो जाते हैं। इन प्लांट से हम घर को बहुत खूबसूरती से डेकोरेट कर सकते हैं। पॉट में मॉस स्टिक लगा के उस पे ये प्लांट चढ़ा सकते हैं, बेल की तरह हमारे घर पे भी, इंडोर भी कहीं पे भी चढ़ा सकते हैं। इसकी हैंगिंग बास्केट्स भी बहुत खूबसूरत दिखती है। इसे ऐसी जगह रखेंगे जहाँ सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिलती और सिर्फ ब्राइट लाइट में भी ये बहुत अच्छे चल जाते हैं और घर के अंदर भी हम इसे इंडोर भी अच्छे चलते हैं। इसकी और वैरायटीज में लगाने वाली हूँ, एक बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। दोस्तों, तो कैसे लगे आपको मेरे मनी प्लांट?
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।